दोस्तों, अगर महिंद्रा ट्रैक्टर के अंदर आपके बैक लाइट नहीं चल रही हैं तो इसका फ्यूज कहाँ पर आता है, और महिंद्रा ट्रैक्टर के अंदर अगर हेड लाइटें नहीं चल रही हैं तो इसका फ्यूज कहाँ पर आता है। अगर फ्यूज उड़ जाता है तो हमारी हेड लाइटें और बैक लाइट दोनों ही बंद हो जाती हैं, तो उसको कैसे चलाते हैं तो इस वीडियो पर मैं बताऊंगा। ये वीडियो को एंड तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हो तो उसको फॉलो करें, ठीक है गाइस, पसंद आए तो ही, ठीक है। तो अगर हेड लाइट बल्ब का, ये हमारा जो स्विच होता है हेड लाइट का, अगर बंद हो जाती हैं हेड लाइटें तो उसका जो फ्यूज आता है हेड लाइट का, गाइस यहाँ पर जो ये बॉक्स होता है, ये ढक्कन खोलो यहाँ से, इस बॉक्स के अंदर जो सारे फ्यूज को आप चेक करना, अच्छे तरीके से सारे फ्यूज को आप चेक कर लेंगे। जो भी फ्यूज उड़ा होगा उसको आप प्लग के अंदर वापस लगा देना, और अगर आपकी बैक लाइट चल रही नहीं चल रही हैं तो उसका फ्यूज आता है गाइस जिस यहाँ से नीचे की साइड में, यहाँ पर एक ये देख सकते हो, ये होल्डर हैं, दो प्लग हैं, ये 10 नंबर प्लग हैं, इसके अंदर बैक लाइट का फ्यूज होता है। और आगे की लाइटें नहीं चल रही हैं, जैसे मीटर नहीं चल रहे हैं, इसके अंदर लाइटें नहीं चल रही हैं, तो इसी का जो सारा सिस्टम यहाँ पर होता है, इसके अंदर 5 फ्यूज लगे हुए होते हैं, 5 फ्यूजों को आसानी से चेक करें, जो भी उड़ा होगा उसको आप चेंज करें, तो आपका सारा ही लाइट डैशबोर्ड पूरा कंप्लीट चल जाएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।